ओके स्पार्टन्स, तो आज हम अपने जो मिशन है उसको आगे लेके जाएंगे। जिस तरह हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह हम पैडिंग दे सकते हैं, ये हमारे पास एक वेबसाइट है और उसमें एक NavBar है, तो उसमें हम NavBar के दरमियान NavBar के जो टेक्स्ट है, जो आइकन्स NavBar में होते हैं, उसका जो टेक्स्ट होता है उस वो टेक्स्ट में हम किस तरह टेक्स्ट और उसके बॉर्डर के दरमियान जो हम फासला दे देते हैं, मतलब टेक्स्ट को हम एक बॉक्स की शक्ल में लिख देते हैं, उसका बॉक्स कितना खुला चाहिए, तो उसको हम पैडिंग कहते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पैडिंग के बारे में बताया था, आज मैं आपको बॉर्डर के बारे में बताऊंगा कि हमने किस तरह बॉर्डर देनी है और आगे हम जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं अपना फाइल, तो चलिए शुरू करते हैं। इधर पे मैं आ गया, मैंने अपना, क्योंकि YouTube जो कोडिंग करता हूँ मैं आपके लिए, आपको सिखाने के लिए, उसको मैंने नाम दिया है उस फाइल को डॉक्स, और डॉक्स में फिर मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, डॉक्स में फिर मैंने अंदर एक और फोल्डर बनाया है यूट्यूब डॉक्स, ये शॉर्टकट मैंने दिया हुआ है, और ये है channelcoding.html। तो उसको मैं नोटपैड से भी खुलवाता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस से, और इसको मैं क्रोम से भी खुलवाता हूँ, ताकि साथ साथ में आपको दिखाऊँ भी कि किस तरह हमने इसमें एडिटिंग करना है। ठीक है, इसको मैंने नोटपैड प्लस प्लस से खुलवा दिया, अभी मैं इसको क्रोम से खुलवाता हूँ। ठीक है, तो ये हमने खुलवा दिया, तो आगे हम जाएंगे। हमारे साथ वेबसाइट में क्या होते हैं, वेबसाइट में हमारे साथ चार चीज़ें होती है, तकरीबन चार चीज़ें अगर हम देखें इधर, एक हमारे साथ HTML लैंग ENUS, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है कि हमने लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे साथ एक हेड शुरू होता है, हेड टैग क्लोज होता है, तो हेड के अंदर हमने सारा जो स्टाइल स्टाइल के जो रेफरेंस है वो भी दे सकते हैं, जिस तरह हमने पेजेस बनाए हो अगर आउटसाइड, या हमने कोई URL वगैरह रिफ़र करना हो, या कोई इंडेक्स के लिए कोई URL वगैरह रिफ़र करना हो, तो वो हम हेड के अंदर दे देते हैं। फिर उसके बाद बॉडी आ जाती है हमारे साथ मेन बॉडी। ठीक है, तो बॉडी में हम फिर अपना हेडर दे देते हैं, हेडर के अंदर हम NavBar ये दे देते हैं, और फिर NavBar के बाद हमारे साथ जो नीचे सेक्शन आती है उसमें जो हम पोस्ट वगैरह कर लेते हैं, तो फिर हम वो देते हैं। ठीक है, तो हमने NavBar बनाया था, हमने स्टाइल दिया था, फिर NavBar को स्टाइल हमने किया दिया था, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक्स। ठीक है, हमने कहा था कि जो हमारे NavBar के जो NavBar में जो UL है, अनऑर्डरलेस। ठीक है, अनऑर्डरलेस का मतलब ये है कि इसको कोई उसने ABC या 1, 2, 3 इस तरह कोई ऑर्डर नहीं दिया होगा, बस ये बस बॉक्सेस बने हुए होंगे, और उसको कोई उसको मतलब कोई अल्फाबेट या कोई नंबर रिफ़र नहीं करते। ठीक है, इस तरह फिर अनऑर्डरलेस में अंदर हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह LI इसके एक कंपोनेंट है, जिस जो आइकन बनाते हैं हमारे लिए। फिर आइकन में हम अंदर अपने नाम आइकन को देते हैं, इस आइकन टैग जो LI टैग है इसके कंपोनेंट से वो ओपन करते हैं और फिर क्लोज करते हैं। ठीक है,
तो इस जब हम ये करते हैं सारा कुछ, फिर एल आई टैग हर एक क्लोज करते हैं, और उसके बाद यू एल जब हम क्लोज करते हैं यू एल टैग, और फिर उसके बाद नेव बार टैग क्लोज करते हैं, तो ये हमारा नेव बार ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद हेडर भी क्लोज करते हैं, क्योंकि नेव बार हेडर में आता है। हेडर में हम एक बैनर भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हम आगे जाके सीख लेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। हेडर के अंदर हम टेबल और टेबल टैग, स्टार्ट एंड टेबल टैग क्लोज ये हम देते हैं हेडर के बाद सॉरी, और बॉडी फिर क्लोज होती है। टेबल में हम अपने जो वेबसाइट है उसका सारा स्ट्रक्चर दे देते हैं, मतलब एक लेफ्ट साइड पे जो आपने देखा होगा जिस तरह ये वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ, वर्डप्रेस बिगिनर्स, BEGINERS बिगिनर्स, ये एक वेबसाइट है, ये मैं आपके लिए खुलवाता हूँ ताकि आपको मैं दिखाऊँ कि किस तरह इसने ये, जब आप ये वर्डप्रेस बिगिनर लिख के और इंटर कर दे तो आपके साथ ये सामने ये खुल जाएगा, तो ये आप इस इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.wordpressbeginner.com, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो ये आगे प्रोसेस कर लेगा और आपको वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये इन्होंने नेव बार्स के दो सेक्शन दिए हुए हैं, ये इनके नेव बार्स है हेडर में, और नीचे उन्होंने अपने जो एक किस्म का आप एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हो, उन्होंने अपने वेबसाइट का नाम वगैरह लिखा है कि हमने, फिर उसने उन्होंने नीचे अपना सेक्शन बनाया हुआ है बाकायदा। ये देखे, ये उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है, इसमें उन्होंने सोशल मीडिया के जो रेफरेंस है वो दिए हुए हैं, सोशल मीडिया आइकन्स उन्होंने पुट किए हुए राइट साइड पे, और इस साइड पे उन्होंने अपने पोस्ट के लिए जो सेक्शन है वो बनाया है। तो दो सेक्शन में उन्होंने डिवाइड किया है अपने टेबल को, आप टेबल भी इसको कह सकते, ये टेबल मतलब टेबल सेक्शन है। और फिर सोशल मीडिया आइकन्स के नीचे उन्होंने अपने ब्लॉग वगैरह, फ्री गाइड और ये सब कुछ जो दिया हुआ है, इसके नीचे फिर उन्होंने ये जो भी उन्होंने चाहा है वो उन्होंने डाला है। लेफ्ट साइड पे उन्होंने अपना सारा ब्लॉगिंग का जो पोस्ट से नए नए पोस्ट वो उनके लिए सेक्शन बनाया है, और ओल्डर पोस्ट के लिए अलग सेक्शन नीचे बनाया हुआ है। तो ये सारा डेवलपर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह वेबसाइट को पसंद करता है वो, और किस तरह बनाता है, ठीक है। तो इस तरह हमने अपना नेव बार सेक्शन बनाया है। अभी हमने इनको ये बॉक्सेस दिए हुए हैं कि इसकी फेडिंग कितनी होनी चाहिए, मतलब टेक्स्ट से बॉर्डर का कलर, बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान जो फासला है इनको फेडिंग कहते हैं, ये कितनी होनी चाहिए ये हमने दिया हुआ है। अभी हम हर एक आइकन के दरमियान जो फासला है ये देंगे कि ये कितनी किस तरह हम देते हैं, ठीक है। तो चलिए बॉर्डर का जो फासला है वो दे देते हैं कि कितना हम दे सकते हैं और किस तरह देंगे। तो आते हैं हर एक एल आई में हम एंटर कर देते हैं किस तरह हम एंटर कर सकते हैं। तो हम दे देते हैं BORDER बॉर्डर कोलोन, बॉर्डर के बाद कोलोन दे देते हैं, और बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर बॉटम वेट, ये सब कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज है, ठीक है। हम अगर जनरल बॉर्डर दे दे तो और कोलोन दे दे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने चारों साइड पे इसको बॉर्डर दे दिया। जिस तरह ये अगर हमने सिर्फ बॉर्डर लिख दिया और उसकी वैल्यू हमने एंटर की, तो इसका मतलब ये है कि चारों साइड पे बॉर्डर आ जाएगा इसका, ऊपर नीचे और
राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो और अगर हमने इस तरह दे दिया कि बॉर्डर लेफ्ट, तो लेफ्ट पे बॉर्डर आ जाएगा, लेकिन जो तीनों साइड और दूसरे जो तीनों साइड है वो रह जाएंगे, उसको बॉर्डर नहीं मिलेगा। तो हम इधर लिखते हैं बॉर्डर कोलोन, और फिर लिखते हैं कि चलो हम दे देते हैं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल बॉर्डर हमने दे दिया। फिर हमने शेप और जो एंटर के साथ राइट साइड से, राइट से लेफ्ट पे जब आप जाते हो, एंटर के साथ तीसरा जो बट कीबोर्ड की है उस पर हम क्लिक करते हैं, शिफ्ट क्लिक करने के साथ साथ, तो ये हमारे साथ कोलोन आता है। और जब सिंगल हम उस की को क्लिक करते हैं तो सेमी कोलोन आता है। तो बॉर्डर कोलोन स्पेस दे दिया, स्पेस नहीं देते हो तो साथ भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन वैसे एक स्टैंडर्ड स्टाइल होता है तो हम कोलोन दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं। फिर उसके बाद हम 10 पिक्सल हम दे देते हैं, 10px, ठीक है। और सेमी कोलोन दे के हम इसको, मतलब ये सेमी कोलोन का मतलब ये लाइन ख़त्म हो गया, मतलब ये हमने अपना इंस्ट्रक्शंस दे दिए अपने इंजन को, ठीक है, जो सर्च इंजन है, मतलब जो मशीन काम करता है, और फिर उसको ब्राउज़र को रेफर करता है जो हमारे साथ अभी क्रोम है, ठीक है। तो हमने 10px बॉर्डर दे दिया, कंट्रोल एस दबा के हम इसको सेव करते हैं, और इधर आकर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास पता नहीं क्यों नहीं हुआ 10px, बॉर्डर 10px नहीं आया। चलो मैं इधर से कंट्रोल एक्स दबा के ऊपर UL में क्लिक करके कंट्रोल स्टाइल लेके STYLE स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास दे देता हूँ, और उसके अंदर ये मैं फुट कर देता हूँ कंट्रोल V, कंट्रोल S दबा के, तो हमें अभी पता चलेगा कि हमने तो पोजीशन तो गलत नहीं दिए, नहीं पहले ठीक थी। अच्छा, मैं बॉर्डर को वापस ले आता हूँ अपनी जगह पे, इधर से मैं काट लेता हूँ, इधर पर मैं इसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ, और बॉर्डर का की वैल्यू जो है वो मैं 100px कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर लेते हैं, अगर इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हम जाकर इसको 300px कर लेते हैं, कंट्रोल एस दबा के हम इसको सेव कर लेते हैं, और फिर आकर इसको हम, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, सॉरी। असल में हमने जो बॉर्डर देना है, मतलब इधर जो हमारे साथ आइकन्स है, एक आइकन से दूसरे आइकन्स, और इस तरह एक आइकन्स के चारों साइड पे जितना फासला हो, मतलब जितने दूर हो दूसरे आइकन से, और इस तरह चारों साइड पे फासला हो उतनी ही जितने ये दूसरे आइकन से दूर हो, तो उसको कहते हैं मार्जिन। उसके लिए हम मार्जिन टैग यूज़ करते हैं। तो बॉर्डर को हम इधर से कट करके हम MARGIN मार्जिन कंट्रोल एस दबा के इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आपने देख लिया, मतलब ये सारा जो है इधर से इधर तक और इधर इस तरह, ये सारा इसका मार्जिन हो गया, चारों साइड पे इसने इतना फासला रख लिया। इधर से अबाउट अस जो आइकन है, इधर से और कॉन्टेक्ट अस जो आइकन है, इनके दरमियान जो फासला है, ये इसका मार्जिन हो गया इन दोनों आइकन्स के दरमियान। लेकिन अबाउट अस के चारों साइड पे इस तरह मार्जिन बन गया, क्योंकि हमने मार्जिन राइट नहीं लिखा है, हमने सिर्फ मार्जिन लिखा है, तो ये चारों साइड पे इसको मार्जिन मिलेगा, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, और इस साइड पे भी।
तो हम इसको कम कर लेते हैं अभी, क्योंकि 300 पिक्सल बहुत ज़्यादा है। हम इसको कम करके चलो 10 पिक्सल पे ले आते हैं, कंट्रोल एस करके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देख लिया अब ये फासला कम हो गया। अभी हम इसको इधर से कंट्रोल सी दबा के हर एक में इंटर कर लेते हैं, कंट्रोल वी इस तरह नीचे आकर, कंट्रोल वी इस तरह नीचे आकर, कंट्रोल वी और नीचे आकर कंट्रोल वी, कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेते हैं और फिर आकर इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देख लिया आपने इन सारों के दरमियान ये फासला बन गया। अभी ये फासला इसको हम नॉर्मल उसमें बॉर्डर और बॉर्डर, एक होता है टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान फासला, इसको हम कहते हैं पैडिंग। एक होता है आइकन और दूसरे आइकन के बॉर्डर और बॉर्डर के दरमियान फासला, इसको हम कहते हैं मार्जिन। तो ये जब मार्जिन आप जितना भी आप चाहते हो आप मार्जिन दे रहे, तो इनके दरमियान फासला आता है। तो हमने अपनी मर्जी के मुताबिक मार्जिन देना है। अब अगर हम नीचे आए और हम इसको हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मार्जिन राइट, ये फर्स्ट जो फर्स्ट अबाउट अस जो है इसको हम मार्जिन राइट भी कर सकते हैं। मार्जिन के बाद हम डैश और आर आई जी एच टी मार्जिन राइट लिख लिया, तो इसका मतलब ये, और कंट्रोल एस करके इसको हमने सेव किया और इधर आकर हमने रिफ्रेश किया, तो इसका मतलब ये सिर्फ राइट पे मार्जिन देगा और सारा जो आइकन है ये अपनी जगह पे वापस जाएगा। ये आपने देख लिया थोड़ी सी हरकत इसने की, अपनी जगह पर गया, सिर्फ राइट पे इसने मार्जिन ले लिया, तो इसको कहते हैं मार्जिन राइट। ठीक है, इसके साथ साथ हम पैराग्राफ टैग के लिए, मतलब अब इसके नीचे अगर हम अभी पैराग्राफ देना चाहे तो हम पैराग्राफ किस तरह दे सकते हैं, तो उसके लिए हम क्योंकि पैराग्राफ हम टेबल में दे देंगे, या चलो हम इधर दे देते हैं पैराग्राफ टैग के लिए। टैग के लिए हम नेव बार के नीचे आते हैं, इंटर दबा के पैराग्राफ टैग के लिए हम यूज़ करते हैं, ये बेसिक टैग्स है तो ये मैं आपको सिखाता हूँ। पी और पैराग्राफ टैग को हम अब क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ टैग स्टार्ट हो गया और इसके बाद पैराग्राफ टैग क्लोज। ठीक है, इसके बाद हम इसमें अंदर बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसमें हम अंदर अगर हम लिखना चाहे H1 अपना हेडर दे दे और फिर हेडर टैग हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, H1 और ये पैराग्राफ टैग के अंदर हमने दे दिया, तो H1 को हम नाम देते हैं दिस इज स्पार्टन्स मिशन और ब्लॉगर्स मिशन या मिशन आप नहीं लिखते तो ब्लॉगर्स प्रैक्टिस आप ये भी लिख सकते हो, ब्लॉगर्स प्रैक्टिस ऑफ गिविंग, या आप इस तरह भी लिख सकते हो प्रैक्टिस ऑफ आइकन्स या नेव आइकन्स या नेव बार्स, नेव बार भी कह सकते हो या नेव आइकन्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ब्लॉगर्स प्रैक्टिस ऑफ नेव आइकन्स। ठीक है, और इसके बाद हम ये हेड टैग हमने पैराग्राफ के अंदर दे दिया और फिर इसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसका हेड बन जाएगा कि, और इसके बाद हम लिख सकते हैं कि दिस सेक्शन कंटेन्स द स्टाइल ऑफ ए जनरल वेबसाइट नेव बार आइकन्स स्टाइल,
और कंट्रोल एस करके इसको हम आके रिफ्रेश कर लेते हैं तो आपके सामने हेडिंग और पैराग्राफ साथ ये देखो ये दस एच मैंने बड़ा लिखा है, ये हेडिंग इसके ऊपर आ गया, ये पैराग्राफ का हेड है, ये हेडिंग है के मतलब हमने टॉपिक क्या देना है, और फिर इसके बाद हमने ये एक जुमला लिख दिया। आप बड़ा पैराग्राफ भी लिख सकते हो तो इसका पैराग्राफ टैग ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह हम इस मिशन को लेके आगे लेके जाएंगे। आप कोशिश करें, मेहनत करें, इस पर प्रैक्टिस करें। अगर जो भी क्वेश्चन पूछना हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह।